हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है पॉलीमर्स, ठीक है। और ये जो है हमें पॉलीमर्स, इसके बारे में हमें देखना है ना। तो पॉलीमर्स की अगर हम बात करें कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो पॉलीमर्स हमने बोला भाई कि पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मासेस मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स, है ना। जो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको हम मोनोमर कहते हैं, के मिलने से क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इंटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, है ना। वो प्रोसेस जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं पॉलीमर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, इथीन, है ना। और इसके ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन काय में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और क्या बनाएगा हमारे पास, पॉली थीन, क्या बनाएगा, पॉली थीन, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन। एक और हम बात करना चाहें तो हम ये बता सकते हैं, पॉली मतलब क्या होता है हमारे पास, पॉलीमर, तो पॉली, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, ठीक है, और मैनी मतलब कई, और मर, मर मतलब क्या होता है, पार्ट्स और यूनिट, है ना। तो ऐसी चीज जो कई पार्ट्स और यूनिट से मिलकर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है, ठीक है। अब वो हमने इसके आगे की बात करनी है ना। तो मैंने बोला, इसे मैंने ये लिखा है N, तो N क्या होता है, N को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या कहलाता है ये, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, तो ये N का मीनिंग है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ एन की जगह क्या ले लिया, टू ले लिया, तो टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब जब ये खुलेगा तो किस प्रकार से खुलेगा, अभी हमारे पास क्या है, कार्बन कितने हैं, दो, और कार्बन कितने हैं, दो, चार, ठीक है। लेकिन जब ये खुलेगा तो कैसा हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में एक दो तीन और ये चार। अब अगर आप यहाँ कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये था पॉलीमर, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला हेडिंग जो है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो हमने बोला भाई ये जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन, ये काय के ऊपर बेस्ड है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है हमारे पास सोर्स के ऊपर। तो ये क्लासिफिकेशन काय के ऊपर बेस्ड है, सोर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, क्या इनका हमारे पास सोर्स है, किस सोर्स से इनको हमने लिया है, तो उस आधार पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो पहले कौन से पॉलीमर्स है, नेचुरल पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स फाउंड इन नेचर मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, एग्जाम्पल प्रोटीन, नेचुरल रबर, ठीक है। ऐसे पॉलीमर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। जैसे रबर हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट मिलता है, उसका नाम क्या, हीविया, ठीक है, वहाँ से हम उसके लेटेक्स से क्या कर लेते हैं, रबर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो पॉलीमर है वो हमारे पास है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इन्होंने बोला भाई पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, एग्जाम्पल नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर में हम क्या करें, चेंज करें, नए डेरिवेटिव्स बनाएं,
है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और उसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज एसिटेट। तीसरी जो क्लास है पॉलीमर की वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो दीज आर मेन मेड पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी। अगर पॉलीमर्स को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, सिंथेटिक पॉलीमर, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पॉलीथीन है और टेफ्लॉन। इसके बाद उसको अगला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए अगला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसमें पहला जो है हमारे पास कौन सा है, वो है एडिशन पॉलीमर। तो इन्होंने बोला है आगे, द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर, यानी हमारे पास ये मोनोमर एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब हमारे पास जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एग्जाम्पल एल्कीन्स, एल्काडाइन्स और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। पॉलीथीन इन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। पॉलीमर पॉलीथीन जो है हमारे पास काय का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है काय का, एडिशन पॉलीमर का, ठीक है। तो हमारे पास पॉलीथीन, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एडिशन पॉलीमर में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एल्कीन, एल्काडाइन्स, यानी ऐसे कार्बन जिनके अंदर दो बार डबल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे, एल्का डाइन्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्का डाइन्स, ठीक है। और दो बार ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एल्का डाइन्स। तो ये हमारे पास पॉलीथीन बनी। पॉलीथीन दो टाइप की होती है, एक HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरी LDPE। तो ये HDPE है ना, उसको कंटिन्यू को आगे करते हैं। दूसरे जो पॉलीमर है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके आगे की कंटिन्यूशन में बात करें तो नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इट इज फॉर्म बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स, यूजुअली विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, एल्कोहल, HCl, अमोनिया एक्सेट्रा, एग्जाम्पल नायलॉन 6,6। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो मोनोमर पार्टिसिपेट करेंगे उनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या तीन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। दूसरी बात, जब ये मिलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन होगा काय का, पानी के मॉलिक्यूल का। अगर पानी का मॉलिक्यूल नहीं निकला तो काय का मॉलिक्यूल निकल सकता है हमारे पास, HCl का या अमोनिया का एलिमिनेशन हो सकता है। अब इस रिएक्शन को देखें, इसका एग्जांपल कौन सा है, नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 बनाने के लिए हम क्या देते हैं, एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, HOCH2CO2H। और दूसरा मोनोमर हमारे पास क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, NH2CH26 और NH2। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो एडिपिक एसिड है इसका OH ये वाला, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन ये H2O के फॉर्म में निकले, सेम ये OH और ये H काय के फॉर्म में निकले, H2O के फॉर्म में। और हमारे पास अगर ये निकल गया OH तो बचा गया C डबल बॉन्ड हो, CH24, C डबल बॉन्ड हो, NH, ठीक है, CH26 और NH, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास CONH, ये यूनिट बार बार रिपीट होती है, इससे हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एमाइड लिंकेज। अब चूंकि इसके अंदर ये जो कार्बन है ये कितने हैं, 4, 5 और ये 6, और ये वाले कार्बन कितने हैं, 6, दो बार 6-6 कार्बन आते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नायलॉन 6,6 या नायलॉन 66। तो ये जो नायलॉन 66 है ये काय का एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर का, यानी जब ये पॉलीमर बनते हैं तब हमारे पास या तो HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होता है या पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है या अमोनिया का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे।